हेलो स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर, होपिंग फाइन एंड डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पार्ट वन। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पार्ट वन जो कि क्लास 10 है, इसके स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिव्यू करवा देता हूँ कि इस वक्त जो है हम अपने पास डोमेन नंबर 3, इस ट्रेनिंग का जो डोमेन नंबर 3 है, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद हैं। और इसके अंदर हमने पहले एडिटिंग वर्ड डॉक्यूमेंट पार्ट वन पढ़ा था, फिर पार्ट टू था इसका, तो उसके बाद करेक्टर फॉर्मेटिंग था और फिर अब पैराग्राफ फॉर्मेटिंग था। तो अब आपके पास आगे मूव करने से पहले कुछ चीज़ें और भी बताना चाहता हूँ आपको कि आप जब फॉलो कर रहे हैं इस पूरे लर्निंग जर्नल को, जो कि आपके पास वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, इसमें मैं दोबारा बता देता हूँ, इसमें सारे रिसोर्सेज फाइल भी हैं, ठीक है। इसके अंदर वो शॉर्टकट्स भी हैं एमएस ऑफिस के, जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अक्सर मेरे पास अभी भी मेल आ रही हैं, सर वो फाइलें सारी यहाँ इसमें पड़ी हुई हैं, और की वो शॉर्टकट जो है वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करी गई हैं। तो इन सब चीज़ों को आप फॉलो करें और इसके अंदर तमाम चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अच्छा, हमें बेसिकली जो टॉपिक करना है वो करना है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जब आप कर रहे होते हैं तो उसमें दो किस्में होती हैं, एक होता है स्ट्रक्चर और एक होता है डेकोरेटिव। स्ट्रक्चर का मतलब ये है, अगर ये पैराग्राफ्स लिखे हुए हमारे पास तो उसके अंदर स्ट्रक्चर वाइज, अलाइनमेंट्स वाइज करने, बुलेट लिस्टिंग नंबरिंग करनी, ये स्ट्रक्चर है। और अगर मैं जो इसको डेकोरेटिव बना रहे हैं, इस पर बॉर्डर अप्लाई करने, शेडिंग्स करनी है, तो ये डेकोरेटिव आ जाते हैं। तो स्ट्रक्चर और डेकोरेटिव फॉर्मेटिंग करना आपको आना चाहिए। तो ये इसी तरह से हमने करेक्टर फॉर्मेटिंग लास्ट टाइम पढ़ी थी, तो अब हम पढ़ते हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंदर जो नॉर्मल चीज़ें जो सब कर रहे होते हैं वो ये होता है कि आप अलाइनमेंट कर रहे होते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट आपकी चार किस्म की होती हैं, ठीक है। देर आर फोर अलाइनमेंट इन वर्ड, जो कि हमारे पास लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई होती है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल सी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर लेता हूँ, तो ये लेफ्ट, ये सेंटर और राइट, जो कि कंट्रोल एल से लेफ्ट, कंट्रोल ई से सेंटर और कंट्रोल आर से राइट हो जाता है। तो ये अलाइनमेंट आपको आनी चाहिए। अगर मैं नया डॉक्यूमेंट खोलूं और मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूं, ठीक है, और फौरन मैं ई पे आ जाऊं तो ये सेंटर में आ गया, उसके बाद मैं एल पर आ गया और मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा, उसके बाद कंट्रोल आर कर दिया एक्स वाई जेड, उसके बाद मैंने कर दिया कंट्रोल आर डेटेड। तो अभी देखिएगा कि जब आप एप्लीकेशन लेटर टाइप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो अलाइनमेंट का कितना काम होता है। तो ये लेफ़्ट पर आ गए, सेंटर में आ गए, लेफ़्ट पर आ गए, राइट पर आ गए, सेंटर पर आ गए, तो शॉर्टकट की मदद से कितनी आसानी हो जाती है। तो ये तो नॉर्मल अलाइनमेंट से जो हम कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम सबको सेलेक्ट कर लें, ठीक है, तो सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास ये आ रहा था जस्टिफाई का ऑप्शन, ठीक है। जस्टिफाई क्या करता है, ये इक्वली बैलेंस कर देता है आपकी रोज, आपकी लाइन्स को, ठीक है। तो ये लाइनें सारी बैलेंस हो गई हमारे पास, तो जस्ट ये बहुत अच्छा है आपके पास कि आप क्लीन अप करना चाहते हैं तो ये है। इसमें एक और चीज़ भी आती है हमारे पास, वो होती है जस्टिफाई ऑल, ठीक है। जस्टिफाई ऑल के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट जे दबाना पड़ता है, ठीक है। क्या दबाना पड़ता है, कंट्रोल शिफ्ट जे, कंट्रोल शिफ्ट और आपके पास जे, कंट्रोल जे से वैसे जस्टिफाई हो रहा होता है। अगर मैं अंडू करूं तो कंट्रोल जे से जस्टिफाई हो गया, और अगर कंट्रोल शिफ्ट जे करूं तो जस्टिफाई आपके पास ऑल हो जाता है। जस्टिफाई ऑल में हो क्या रहा है कि ये जो ये तो बैलेंस हो गई थी कंट्रोल जे से, लेकिन जो लास्ट वाली लाइन थी इसको इसके साथ जस्टिफाई होने की नहीं है, आपको कंट्रोल शिफ्ट जे जस्टिफाई ऑल करना पड़ा। तो उसने करा क्या कि सारी लाइनों को बैलेंस करने की नहीं है, इसको स्ट्रेच करा, उसने बोला ये तो बैलेंस हो गया था हमारे पास, अब को कैसे बैलेंस करूं, तो इसको यहां तक लाने की नहीं है, उसको स्पेसिंग करना पड़ेगी। या मैन्युअली कर रहे होते तो आपको याद होगा फॉन्ट के अंदर आप इसको एक्सपेंड करते थे, आप एडवांस में जाते, यहां पे एक्सपेंडेड में जाते और इसको एक्सपेंड करते तो ये फैल जाता, ठीक है। तो ये आपके लिए बड़ा मुश्किल काम होता है एक्सपेंडेड करना, तो वैसे अमूमन इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन एक किस्म है टाइप दी हुई इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम डू करते हैं। इसके अंदर हम चीज़ों पे और आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर कि आप यहाँ पे आ जाते हैं इसी डॉक्यूमेंट के अंदर, और
जो डॉक्यूमेंट है इसके अंदर बहुत सारे पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं और पेज नंबर 2 तक जा रहे हैं, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे जाता हूँ इसके अंदर कंट्रोल ए करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल ए करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ स्पेसिंग के अंदर, लाइन स्पेसिंग में जा रहा हूँ, और लाइन स्पेसिंग में जाने के बाद मेरे पास यहाँ पे प्रीसेट्स आ रहे हैं लाइन स्पेसिंग के, ठीक है। स्पेसिंग बिटवीन द लाइन, ठीक है, ये प्रीसेट्स बने हुए आ रहे हैं। अगर इफ़ यू आर गिविंग मॉस एग्जाम तो वो आपसे बोलेगा 1.5 2.0 डाल दो, तो यहाँ से डाल देगा। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, इसके अलावा रिमूव स्पेसिंग मिटाना चाहते हैं तो ये आ रहा, सारी स्पेसिंग ख़त्म हो जाएगी। तो ये सारी रिमूव स्पेसिंग आफ्टर पैराग्राफ, आप ये देखिएगा इंपॉर्टेंट चीज़ के हर पैराग्राफ, ये पैराग्राफ्स कंसीडर करें, और पैराग्राफ के बाद फिर पैराग्राफ आ रहा है। तो उसने क्या किया कि मैंने जब कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल करा, यहाँ पे रिमूव कर लिया, ऐड करना चाहते तो ऐड भी हो जाएगा हमारे पास। अभी हम कस्टमाइज़ करते हैं, ये प्रीसेट्स आ रहे हैं सारे, अब हमें कस्टमाइज़ करना है। जब हम कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे मैंने क्लिक करा, ठीक है। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में आपके पास आप इंडेंट स्पेसिंग टैब के अंदर मौजूद हैं, और जो विंडो खुली हुई है वो पैराग्राफ की विंडो खुली हुई है। तो पैराग्राफ के अंदर आपके पास लाइन स्पेसिंग में चले हैं, यहाँ पे मल्टीपल ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया क्योंकि हमने मल्टीपल लाइनों को सेलेक्ट करा हुआ है। अब अगर आपको यहाँ पे ये चाहिए था 1.5 और 2, अब ये खास तौर पे लाइन स्पेसिंग हम लोग कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल प्राइमरी बच्चे हैं या नर्सरी क्लास के बच्चे होते हैं तो उनको रीडिंग करने में मुश्किल होती है, तो वो या टीचर हाथ तक के पढ़वा रही है उनको, तो उनको आसानी होती है वर्ड टू वर्ड पढ़ने के अंदर। कॉमनली जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो हम लोग जो है नॉर्मल इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि 1.5 की, 1.5 भी हमारी नहीं बहुत है तो हम ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये इस्तेमाल होती है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, ठीक है। इसको अपनी मर्जी का बनाना है आपको, 1.5 और 2, आपने कहना है 2 चाहिए ना 1.5 चाहिए, इसकी बीच की वैल्यू चाहिए, तो आपको कस्टमाइज वैल्यू डालने के लिए लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी वैल्यू चाहिए आप उसको लिख लीजिए, आपको 1.7 चाहिए आप इसको ओके कर दीजिए, ठीक है। तो लाइन स्पेसिंग ऑप्शन जो है ना वो यहाँ से आ गई, यहाँ से भी आ गई हमारे पास एक बनी बनाई गई कस्टमाइज आ गई। और ये बेसिकली अगर आप लेआउट में चले हैं तो लेआउट के अंदर भी आपके पास ये ऑप्शन इसके आना शुरू हो जाएंगे पैराग्राफ्स के। तो एक ही चीज़ के काफ़ी सारे ऑप्शन है करने के, मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ, वर्ड में एक चीज़ को दो नहीं तीन तीन नहीं बल्कि चार जगहों से भी एसेस कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जिनको आप मल्टीपल जगहों से एसेस कर सकते हैं। कमिंग बैक मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन के अंदर आप चाहें तो आपके पास और भी ऑप्शन आ रहे हैं। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन के अंदर आपके पास जो है ना वो इंडेंट आ रहा है आपके पास, इंडेंट लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। मैं इसको लेफ्ट करता हूँ, आप प्रीव्यू में देखिएगा ये राइट, ठीक है, ये लेफ्ट हो रहा है और मैं इसको ओके करता हूँ, ठीक है। तो आपके पास ये देखिएगा लेफ्ट साइड से इंडेंट हो रहा है, ये लेफ्ट साइड से इंडेंट हो रहा है। अगर आप राइट साइड से, आप इससे क्या हो रहा है कि पूरा पैराग्राफ आगे जा रहा है, आप इसको इस पैराग्राफ को मैन्युअली किसी भी की से आगे नहीं कर सकते, ठीक है। ये इंडेंट यहाँ से हो रहा है, अगर आप यहाँ पे जाएं तो इंडेंट बाहर से आ रहा है, राइट या लेफ्ट, राइट लेफ्ट, तो ये आपके पास अगर आप इस पर देखें लिखा भी आ रहा है मेक योर पैराग्राफ क्लोजर टू द मार्जन्स। एक्चुअली अगर देखें तो ये मार्जन्स होती हैं, मार्जन से ये लेफ्ट की साइड पे राइट की साइड पे जा रहा है, तो अगर आप यहाँ से जा रहे हैं तो ये वैल्यू वाइज कंट्रोल नहीं हो रहा, ठीक है। अगर आपको वैल्यू वाइज कंट्रोल करना है तो आप यहाँ से जाएंगे लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में, और सर्टेन वैल्यू आपको इंडेंट करना है लेफ्ट साइड से, तो यहाँ पे आ रहे हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैल्यू वाइज काम करना पड़ता है, तो आप यहाँ से डाल रहे होते हैं। अगेन वही चीज़ ये आपको लेआउट में मिलेगी, अगर आप चाहें तो इंडेंट यहाँ से भी आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से पैराग्राफ भी आ रहा है, सेम जिस तरह मैं पहले बोलता आ रहा हूँ कि आप एसेस बहुत सारी जगहों से कर सकते हैं। कमिंग बैक होम में दोबारा से मैं आता हूँ, यहाँ पे ये था मेरे पास इंडेंट जो कि पैराग्राफ को राइट पे या लेफ्ट पे ले जाता है मार्जिन के मुताबिक। पैराग्राफ से हम जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन, और इसके अंदर हमारे पास आ रहा है कि आपके पास स्पेशल, हमारे पास यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर दो स्पेशल चीज़ें, फर्स्ट लाइन और हैंगिंग। अगर आप फर्स्ट लाइन पे चले आएँ, फर्स्ट लाइन का मतलब क्या हुआ हमारे पास कि इसके अंदर सारी लाइनें हैंग हो जाएंगी,
एग्जाम्पल ये हर पैराग्राफ की पहली लाइन, अगर मैं इसको ओके करूँ तो आप देखिएगा कि हर पैराग्राफ की पहली लाइन जो है ना वो आगे चले गई। तो ये अभी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और जगह पर डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसके अंदर हम इसको आगे करते हैं तो पैराग्राफ स्विचिंग में आसानी होती है, पता चलता है। लेकिन ये थोड़ा सा ट्रेडिशन ओल्ड था, लेकिन अब इस तरह इस्तेमाल नहीं होते। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो होता है वो लेफ्ट टू राइट ही सारा चल रहा होता है। तो कंट्रोल ए मैं करता हूँ, इसमें कस्टमाइज अगेन एग्जाम्स दे रहे हैं, मॉस एग्जाम। तो उसके अंदर आपसे बोलेगा फर्स्ट लाइन को इंडेंट करो इतने फासले से, वैल्यू जो वो आपको दे देगा वो आप इनपुट करें यहाँ पे 1.5 जो भी आपने ओके किया। इसको मैं अंडू करता हूँ, इसमें सिलेक्टेड चीज़ों को करता हूँ ताकि आपको सब पता चल जाए। यहाँ पे मैंने पूरे पैराग्राफ्स तो नहीं करा, और आप इमेजिन करें अगर ये ऑप्शन नहीं होता आपके पास तो आपको मैन्युअली कैसे करते, आपको मुश्किल होता, स्पेस बार दबाते क्या? तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल काम होता, तो मैन्युअली इसे बच गए। मुझे सिलेक्टेड जगहों पे करना है तो पैराग्राफ पे जाता हूँ, क्योंकि मेरी सिलेक्शन दो पैराग्राफ्स की है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आने के बाद वही फर्स्ट लाइन, और आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब उसके बाद मैं इन दो को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसके बाद पैराग्राफ में जाता हूँ। इसमें एक और ऑप्शन है हमारे पास हैंगिंग का, किसका ऑप्शन आ रहा है, हैंगिंग। हैंगिंग पे मैं क्लिक करता हूँ, ये इसका इन्वर्स है कि पहली लाइन में सारी लाइनें लटक जाएंगी, हैंग हो जाएंगी। देखें ये फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन अपनी जगह पे कांस्टेंट रही, साकित रही, और बाकी जो लाइन है इसके अंदर हैंग हो गई। हैंगिंग में वही फासला कितना, छोटे छोटे से ऑप्शन है, ओके कर दें। अगर एग्जाम दे रहे हैं तो वो डिफ़ॉल्ट भी कर देगा, बाय डिफ़ॉल्ट यही रहे। तो ये सारी सेटिंग एग्जाम्स के हवाले से हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये आपके पास अब ये बड़ा यूज़फुल होता है, अगर आपके पास पैराग्राफ बड़ा है उसमें आप रेलिवेंट ये टॉपिक है, अब ये जो है आपके पास जो है इसको कहना चाहिए पैराग्राफ्स का है, या साइंस का कोई टॉपिक है आपके पास जो है, आपने उससे रेलिवेंट कोई टॉपिक के हिसाब से पिक्चर यहाँ पे लगा दिया आपने, छोटी सी आइकन्स लगा दिया आपने जो आजकल बहुत चल रहे हो। तो दिस इज़ टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग यू कैन अप्लाई इन योर पैराग्राफ्स, ठीक है, क्योंकि पैराग्राफ डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। या आप अभी तक जितना भी काम करें ये स्ट्रक्चर फॉर्मेटिंग है, डेकोरेटिव नहीं है, क्योंकि इसका इफेक्ट स्ट्रक्चर पे पड़ रहा है पैराग्राफ के, क्लियर है। अच्छा अब इसके अंदर जो है ना वो आप आ जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ, क्लियर फॉर्मेटिंग करता हूँ कि सारी फॉर्मेटिंग जो है वो उसके ऊपर से जितनी भी मैंने करी थी स्ट्रक्चर फॉर्मेटिंग वो हट गया। मैं दोबारा यहाँ पर जाता हूँ, ठीक है, मैं इसको 1.5 करता हूँ, पैराग्राफ में जाता हूँ। अच्छा इसमें मेरे पास अगर आप चाहें तो इसके अंदर आरा के पास लाइन स्पेसिंग ऑप्शन के अंदर के स्पेसिंग पैराग्राफ्स स्पेसिंग आ रही है बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। बिफोर का मतलब पैराग्राफ से पहले, और आफ्टर का मतलब पैराग्राफ के बाद। अगर पैराग्राफ से पहले स्पेसिंग चाहिए तो वो अलग होती है, पैराग्राफ के बाद चाहिए तो वो अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि ये अभी 8 हुई है, आप देख रहे हैं ये पैराग्राफ 8.8.8। अगर मैं इनको इंक्रीज कर दूं तो ये 24 हो गया। तो आप देखिएगा ये मेरे पास बढ़ गए पैराग्राफ्स की स्पेसिंग, और कितना डिफिकल्ट होता है अगर आप इसको एंटर एंटर करके करते तो आपको नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाता और सबकी कंट्रोलिंग करना मुश्किल। आपकी आपने एंटर कर दिया, आपके एडमिनिस्ट्रेटर ने बोला कि भाई ये नहीं तो कम चाहिए मुझे, बहुत ज़्यादा कर दिया तुमने। अब क्या आप सब पे आके करेंगे, इमेजिन करेंगे आपके पास 100 पैराग्राफ्स हैं या बहुत सारे पेजेस के ऊपर पैराग्राफ्स हैं, तो आपके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे दोबारा से आता हूँ, कंट्रोल ए करता हूँ, और कंट्रोल ए करने के बाद अब मैं पैराग्राफ्स में आता हूँ और यहाँ पे बिफोर करता हूँ, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10, हर पैराग्राफ से पहले 10 पॉइंट की स्पेस, ठीक है। तो ये हर पैराग्राफ से पहले 10 पॉइंट का फासले से फिर ये आगे शिफ्ट हो गया। यहाँ पे जो था 24 पॉइंट का फासला है पैराग्राफ के बाद, और उससे पहले जो है ना 10 पॉइंट का फासला है। तो इस तरह ये मुख्तलिफ किताबों में आप देखिएगा, आप उठा के देख लीजिएगा, नर्सरी किताब, केजी की, प्राइमरी की, आप इंटर, आप मैट्रिक की, मैट्रिकुलर की, इंटर की, आपके पास नॉवेल्स की किताबें, सारी चीज़ों का आप उठा के देखिए, पैराग्राफ्स को देखिए, मैगजीन्स को देखिए, उसमें पैराग्राफ्स में स्पेसिंग कैसी है, क्या स्टाइल अप्लाइड हुआ हुआ है, ऑब्जर्व कीजिए, बहुत सारे आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर्स, इन सबको ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि उसमें स्पेसिंग क्या है। अच्छा
ये चीज़ें वही डिज़ाइन में, लेआउट में हमारे पास ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। अगर हम यहाँ पे चलें तो यहाँ पे इसके अंदर और भी चीज़ें आ रही हैं कि लाइन नंबर्स, हम लाइन नंबर भी डाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे करें तो कंटिन्यूस लाइन नंबर है, ये लाइन नंबर डल गई है, आप ये देखिएगा 24, 26 लाइन नंबर आ रही हैं। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो लाइन नंबर, इसके अलावा रीस्टार्ट ईच पेज। अब हुआ क्या है कि ये कंटिन्यू चल रही थी 21 तक, यहाँ तक चली, उसके बाद अगले पेज के ऊपर जो है ना वो दोबारा से शुरू हो गई 1, 2, 3। तो ये आप इसको कस्टमाइज़ करके देखिए। सेशन है, अगर डिवाइडेड सेशन है, एक डॉक्यूमेंट के अंदर दो सेशंस हैं तो हर सेशन पे अलग से रिस्टार्ट होगा, सेशन हमारे पास आगे आएगा। बहुत सारे ऑप्शन सेशन से रेलिवेंट हैं, तो बहुत जल्द हमारा सेशन का टॉपिक आएगा तो आपको पता चलेगा सेशंस में काम कैसे होता है। इसके अलावा सेपरेट फॉर करंट सेक्शन, अगर आपने यहाँ पे ये बनाया हुआ है और आप यहाँ पे जाते हैं हाइफनेशन के, सॉरी लाइन नंबर के अंदर, आप इसको करें सप्रेस फ्रॉम करंट पैराग्राफ। सप्रेस का मतलब क्या होगा कि जो करंट पैराग्राफ से वो निकाल देगा, इसको माइनस कर देगा, बाकी सब पे अप्लाइड होगा और इस करंट पैराग्राफ के ऊपर नंबरिंग जो है ना वो नहीं आएगी, ये लाइन नंबर है। क्लियर है? आप नन करना चाहें तो वो आप नन कर सकते हैं। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, आप दे सकते हैं बच्चों के हवाले से। आपका बहुत अच्छी लाइन नंबर, आपको याद करनी है लाइन नंबर, डायलॉग्स हैं कुछ चीज़ें, आपको लिस्टिंग करनी है उसके हवाले से। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरह से लाइन नंबर बना के अपनी याददाश्त के लिए, मेमोराइज़ करने के लिए आपको आसानी है। वरना वैसे आप प्रोफेशनली तो उसको 1, 2, 3 ही डालेंगे, ना डला हुआ नज़र आएगा, ये आपके अपने काम के लिए। अब लाइन नंबर के बाद हम हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हाइफनेशन का है। हाइफनेशन मेरे क्लिक करता हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट में ऑटोमेटिक हुआ हुआ है। अब इससे होने से क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे जाएँ स्क्रॉल करें डॉक्यूमेंट के अंदर, तो ये देखें अब डैश नज़र आ रहा है, तो ये ब्रेक हो जाता है लाइन। देखिएगा वर्ड आधा यहाँ पर आया, आधा ब्रेक हो गया, उसके बीच में ये ऑब्जर्व था, ये पूरा वर्ड ऑब्जर्व है, लेकिन यहाँ तक आया और उसके बाद जो है ना वो आधा वर्ड क्योंकि यहाँ पर आ नहीं सकता था तो वो नीचे चला गया, डैश हो गया। इसी तरह हम और आगे जाते हैं, यहाँ पे इन शॉर्ट के वर्ड ब्रेक हो जाता है लाइन के अंदर। तो कभी कभार आपको ये चाहिए भी होता है, नॉर्मली ज़्यादा नहीं चाहिए होता है क्योंकि थोड़ा सा बुरा लग रहा होता है तो आप क्लियर चाह रहे होते हैं, लेकिन अगर ये करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो कि कैसे करेंगे, जैसे मैंने सेलेक्ट करा है कुछ भी करा, आप हाइफिनेशन में चले हैं और यहाँ पे आ रहा है आपके पास हाइफिनेशन ऑप्शन भी आ रहा है, तो इसमें आप सबसे पहले तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा, हाइफिनेट ऑटोमेटली, डॉक्यूमेंट में हाइफेनेट ऑटोमेटिकली होना शुरू हो, ठीक है? तो ये होना चाहिए और उसके बाद आपके पास आप यहाँ से कर लें ऑटोमेटिक, और अगर आप यहाँ से नन कर देंगे तो क्या होगा कि हाइफेनेट नहीं होगा। आप देखें यहाँ पे नहीं हुआ हुआ हमारे पास, तो इस तरह से आप हाइफेनेट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको ब्रेकिश नहीं चाहिए तो वो आप ब्रेकिश को यहाँ से हटा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हम दोबारा से यहाँ पे आते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मेटिंग की बात कर रहे थे, होम में मैं दोबारा से आता हूँ और यहाँ से पैराग्राफ्स मार्क्स को खोलते हैं। हमने पहले भी खोले थे लेकिन इससे कुछ चीज़ें हम दिखा देते हैं दोबारा से आपको, कि पैराग्राफ्स मार्क्स बहुत ज़रूरी हैं आपके डॉक्यूमेंट के अंदर, क्योंकि इसकी मदद से आप जानते हैं कि आपने करा क्या है। क्योंकि एंटर कैरेक्टर फॉर्मेटिंग मैंने बताया था आपको, पहले ही बताया था कि अगर आप एंटर मार रहे हैं तो इनकी मदद से पता चल रहा है, अगर आपको टैब दबा रहे हैं तो टैब्स पता चल रहे हैं, अगर आपने क्लिक किया स्पेस दबाया तो पता चल रहा है आपके पास। और इसमें आपके पास अगर आपको नहीं पता कि पैराग्राफ्स मार्क्स क्या होते हैं तो ये आपको पता चलेगा, फाइल में जाएं ऑप्शन के ऊपर और डिस्प्ले में जाएं। डिस्प्ले में जाने के बाद आपके पास जो है ये कैरेक्टर्स मार्क्स नज़र आ रहे हैं, ये नज़र आ रहा है आपके पास कि ये टैब कैरेक्टर है, ये स्पेसेस हैं, ये पैराग्राफ मार्क्स हैं, हिडन टेक्स्ट हैं, ये सारी चीज़ें वगैरह। तो इसकी मदद से मुझे पता चल जाता है कि डॉक्यूमेंट में मैंने क्या काम किया है। तो ये हमेशा से याद रखिएगा, पैराग्राफ मार्क्स पे काम करना आपको आना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा अगर आप इसमें जाएं तो इंडेंशन जो थी वो आपके हमने कंप्लीट कर ली, इंडेंशन चीज़ें यहाँ से भी हो रही थी लेफ़्ट और राइट का, ये याद रखिएगा, यहाँ से भी ऑप्शन आपके पास हो रहे हैं। दोबारा से होम के अंदर आते हैं, जो अब हम जो नेक्स्ट क्लास में टॉपिक कवर करेंगे वो बेसिकली क्या होगा कि लिस्टिंग का टॉपिक है हमारे पास, ठीक है? जो बच्चे मॉस का पेपर देना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा तवज्जो वाली चीज़ है, और वैसे भी हमारे रोज़मर्रा के डॉक्यूमेंट में बुलेट लिस्टिंग का बहुत इस्तेमाल हो रहा होता है। फिर आगे जो हमारे पास काम है वो स्ट्रक्चर फॉर्मेटिंग का काम है।
इसमें से एक चीज़ को अभी हम कवर कर लेते हैं और बाकी को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप ये सपोज कर लें कि ये आपके पास शेडिंग है। शेडिंग जो डाली आती है वो बेसिकली कलर करने के लिए जा रही है पैराग्राफ के अंदर। ये आपने कहा कि टिप है, आपने इसको यहाँ पे क्लिक किया, मैं पैराग्राफ में इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ क्लिक करता हूँ शेडिंग के अंदर। तो ये शेडिंग कलर्स आ जाए आपके पास पे, किताबों में बड़े इस्तेमाल होते हैं लेकिन लाइट कलर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंटेशन बन रही होती है तो उसके अंदर आप ये देखते हैं कि ये डार्क कलर जो होते हैं वो वाजे, जो मेन चीज़ उसको वाजे करने की नहीं है। आपने कहा यार ये जो है ना, ये आ रहा है एग्जाम्पल। तो हम थोड़ा सा हम इसको बोल्ड भी कर लेते हैं और एक क्लिक कर लेते हैं। अब इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे टिप। टिप के अंदर इसको मैंने होल्ड किया और थोड़ा सा ही, और यहाँ पे जाता हूँ क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ से क्लिक कर देता हूँ लाइट वेरिएशन। तो मैं किताब बना रहा हूँ, ठीक है, या रेफरेंस कोई भी चीज़ बना रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, आर्टिकल्स टाइप की चीज़ें बना रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल, आप ये बच्चा पढ़ रहा है एग्जाम्पल, उसको पूरा सॉल्व कर रहा है, तो उसे पता है यार ये जो एग्जाम्पल अगर मैं डॉक्यूमेंट में नेविगेट कर रहा हूँ तो जहाँ जहाँ पे भी ये डार्क ऑरेंज है तो ये शेडिंग जो डार्क ऑरेंज हुई है ये एग्जाम्पल है, ठीक है। कलर कोड से याद हो जाता है, ये टिप है, ये लाइट ऑरेंज है, तो आपको पता चल रहा है टिप वाला पोर्शन है। तो कलर कोडिंग, कलर से मेमोराइजिंग में आसानी होती है, ठीक है। बुक मार्क कलर से किताबों में लगाते हैं तो आपको याद हो जाता है यार ये बुक मार्क इस वजह से लगाया गया है, ठीक है। तो ये अभी भी बहुत इस्तेमाल होता है। कलर पिन अप करके लगा देते हैं डैशबोर्ड के ऊपर के भाई ये रिमेम्बर करने के लिए, चिट्स लगा लेते हैं। तो इसी तरह आपके पास शेडिंग के ज़रिए, मैं जो अपना प्रोफेशनल इस्तेमाल आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरा बेसिकली मकसद भी ये कि आपको प्रोफेशनली बताऊँ भी कि मैं अपने प्रोजेक्ट में कैसे इस्तेमाल कर रहा होता हूँ। और अब इंशाल्लाह जब हम फाइनल प्रोजेक्ट्स करेंगे, जिसके अंदर आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, तो उसके अंदर भी आपको एक दो डॉक्यूमेंट हम बना के दिखाएंगे प्रोफेशनली, ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। थैंक यू।